नमस्कार, कैसे हैं आप? जापान के सहयोग से भारत ने समुद्र पर सबसे लंबा पुल बनाया है और अब दावा यह किया जा रहा है कि मुंबई जैसी देश की आर्थिक राजधानी में, जहां 2 घंटे का सफर जो होता था वो 20 मिनट का हो गया है। ये देश की आर्थिक राजधानी के पूरे चरित्र को बदल देने वाला होगा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने इसका गुणगान किया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका कहते ना कि पहली ईंट लगाई थी, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। आमतौर पे वो अक्सर ये कहते हैं कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो जिस चीज का उद्घाटन करते, जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो राम जी की कृपा से राम मंदिर ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो इनॉग्रेशन किया, इसमें यदि आप फ्रेम को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम दोनों हैं, और ये साथ में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो जापान के प्रतिनिधि हैं। इससे साबित होता है कि ये जापान के सहयोग से जो सबसे बड़ा समुद्री पुल भारत का बना है वो जापान के सहयोग से बना है। शिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री थे उस समय एक कल्पना ये की गई थी कि जापान की तरह भारत विकास की नई राह पकड़े, और शिंजो आबे ने जो प्लानिंग की थी इसमें इन्वेस्टमेंट भी जापान का लगभग 80% इन्वेस्टमेंट है। और इस तरह से आपका ये पुल जो है, ये आप संरचना देखिए तो किस तरह से है, कैसे कैसे रास्ते निकल रहे हैं। आप मुंबई कर जो हैं या फिर मुंबई जो गए हुए हैं, जो मुंबई में रहते हैं, वो समझ पाएंगे कि इस पुल के मायने क्या है। ये मात्र 5 किलोमीटर जो है ये जमीन पर है और लगभग 16 किलोमीटर समुद्र पे है। अब मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं कि जिस चीज से भारत, जैसे कि मुंबई का ये नक्शा है, यदि आप इसको समझेंगे तो थोड़ा सा समझने में आपको सहूलियत हो जाएगी कि ये मुंबई का है। यहां से यदि मान लीजिए आपको इस जगह से यहां आना है तो समझ लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहां से इस जगह से यदि आपको यहां आना है तो यहां से यदि मान लीजिए कि ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे करके ऐसे आना पड़ेगा। इस जगह से मान लीजिए यहां से, जहां कर्जर है ये घूम रहा है जो आपको यदि दिखाई दे रहा होगा, ये यहां से यदि आपको यहां पहुंचना है तो आपको किस तरह से घूमना पड़ेगा, कैसे कैसे, ये मुंबई में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं। तो ये पूरा कायाकल्प होगा कि किस तरह से यहां से जो ये निकलेगा इस तरह करके, मतलब यदि आप कर्सर को यदि आप देख पा रहे होंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो जहां पर कर्सर घूम रहा है ये यहां से लेकर के इस तरह से पूरा लंबाई गोवा की तरफ जाएगा। मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं कि जो ही ये सूबे शुरू हुई है, मतलब इतने बड़े विकास रथ को भारत सरकार ने ये पूरा किया है, ये निश्चित रूप से देश के लिए बड़ा गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं इस चीज को लेकर के, इसकी खुद ही आकर के उन्होंने इसकी व्याख्या की और देश को बताया कि ये क्या है। स्वयं सुनिएगा, मैं पता उसे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तब इस चीज को समझ में आएगा इसकी महत्ता, क्योंकि वो बेहतर बता किसी चीज को। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खासियत ये है कि वो किसी टेलीविजन चैनल पर किसी कंपनी के प्रचार से बेहतर अपने चीजों से जब इस चीज को वो करते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। मोदी ने इस पुल की व्याख्या क्या की है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की, तब इस चीज को हम समझ पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। जरा इस चीज को सुन। अटल से तो विकसित भारत की तस्वीर है, विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का जय घोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। इन
10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लग सकते हैं। कोई इस बात से खुश है कि मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई और पास आ जाएंगे। ये विशाल अटल सेतु ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। अब आपने देखा कि चूंकि मैंने इसीलिए कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद इन सब चीजों को लेकर के बात करेंगे तो चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। बताया जा रहा है कि जितनी बार ट्रक इस पुल के निर्माण में चक्कर काटा है उसमें से धरती और चांद की दूरी तय की जा सकती थी। और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इसमें जितने वायर लगे हैं उससे 2 चक्कर पृथ्वी के लग सकते हैं। जितने वायर लगे ट्रकों का इतनी बार आना जाना हुआ, अब सोचिए समुद्र में इतना बेहतरीन पुल का बनना। और इस पुल ने पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। मुंबई कर हो, गोवा से मुंबई आना हो, गोपुना से मुंबई आना हो, इससे एकदम से समय की बचत हो गई। तो सोनिया के चंपू ने एक दूसरा मुहिम चलाना शुरू किया। वो सुलभ शौचालय विशेषज्ञ जो कांग्रेस दफ्तर में फील्ड में बैठ करके बिस्किट कंपनी के लालाओं को सपना दिखाता था क्लियर होने के बाद कि मैं तुम्हें नोएडा के टिकट दिलवा दूंगा, मैं फलाना जगह का टिकट दिलवा दूंगा, मेरी ऐसी राहुल गांधी से है, ऐसे ऐसे खैरातियों ने खेल करना शुरू किया। तमाम दर्जन खबर खैराती उतर गए मैदान में और उसके बाद उन्होंने नैरेटिव चलाना शुरू किया। उन सबको आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि खलियरों ने जो बहुत सारे खलियर उसमें से यूट्यूब पे आ चुके हुए हैं। अब ये सब ऐसे नैरेटिव करना शुरू कर दिए कि सोचिए इस देश के विकास को मतलब ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया कि ये तो अमीरों के लिए है, अडानियों के लिए है, इस पुल से कौन चलेगा। दिल्ली में जब डीएनडी बना था ना, दिल्ली नोएडा वाला, उसमें भी टोल लगाया गया था, उस पर भी उस समय भी खैरातियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब कुछ बेहतर बनेगा, आप सोचिए आज की तारीख में लोगों को, जब एक समय था अभी कुछ दिन कुछ साल पहले तक कि बिहार के लिए टिकट नहीं मिलता था, रेलवे का फ्लाइट असंभव था, सिर्फ राजधानी पटना में जाती है। अब तो एक दरभंगा बन गया, वो भी इतना महंगा रहता है, आम आदमी के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी जिनको जरूरी है वो कम से कम 2 रूट तो हो गए हैं। दूसरे राज्य की अपेक्षा अभी भी तो भिखारी वाली स्थिति बिहार की बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बिहार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। पूरे यूपी का कायाकल्प हो गया है। जो एक्सप्रेस वेज बने हैं वो आप नोएडा में चढ़ेंगे और गाजीपुर से लेकर के सीधे आप बिहार की तरफ एंट्री कर देंगे, भले बिहार में वो एक्सप्रेस वे नहीं है। अब इससे कई लोगों को इतनी फायदा हो रहे हैं कि आपके पास यदि ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, हवाई जहाज का टिकट नहीं मिल रहा है, आप गाड़ी उठाइए और 12 घंटा में आप बिहार पहुंच जाइए। मेरे कई साथी, मैं खुद नहीं जा पाया हूं लेकिन मेरे कई नजदीकी साथी रेगुलर जाते हैं। मेरे एक बहुत बचपन के एक मित्र के पिता का एकाएक देहांत हो गया, 1:30-2 बजे रात में उनका देहांत हुआ, उन्हें खबर से खबर चली और वो एक गाड़ी उठाया और वो चला गया गोपालगंज के लिए, निकल गया, 12 घंटा में गोपालगंज पहुंच गया फादर। अब सोचिए यदि ऐसी स्थिति आम पहले जो होती थी उसमें क्या होता था। आदमी मन मसोर के रह जाता था, उसे टिकट नहीं मिलता था, वो नहीं जा पाता। अब लोग कहेंगे अच्छा
तो जिसको उसके पास गाड़ी थी तभी तो चला गया। तो निश्चित रूप से दुनिया में हर सुविधाएं हर चीज के लिए है। एक ही ट्रेन रेलगाड़ी जाती है, आप 150-200 रुपए में जनरल बॉगी में यात्रा करते हैं और उसी ट्रेन में उसी तरह के स्टेशनों से गुजरती है वो ट्रेन, और उसी सेम ट्रेन में आप फर्स्ट एसी में 5000 में सफर करते हैं। फर्स्ट एसी में आप 5000 का टिकट लेते हैं और उसी ट्रेन में सेम ट्रेन में जनरल बॉगी में किस चीज के पैसे देते हैं आप? सुविधाओं के देते हैं। आदमी को सुविधा चाहिए, जिसको समय की बचत करनी है। आम आदमी को ठीक है, उसको पैसे नहीं, उसे समय की बहुत ज्यादा महत्ता नहीं, मजदूरी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक एक समय के एक एक मिनट की बहुत वैल्यू है। अब पहले मुझे, मेरे जैसे सामान्य आदमी को लगता था कि थर्ड एसी में चलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अब मुझे लगता है कि मैं सेकंड एसी में चलूंगा तो मैं काम रिसर्च कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा, एक आध लाइव शो आपको ट्रेन में मैं दे पाता हूं। तो ये किस लिए हो पाता है? इसीलिए कि यदि मैं यदि 400-500 रुपए बचाऊंगा थर्ड एसी और सेकंड एसी के बीच, तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ ट्रेन में यात्रा में मैं काम कर लेता हूं, सेकंड एसी में सुविधाएं होती है, एक आध मैं वीडियो भी बना लेता हूं कई बार आपको, उस तरह की चीजें। ये मैं चीजें क्यों समझा रहा हूं, लेकिन इस नैरेटिव को खलियारों ने कैसे खेल किया, देखिए इस खलियर को देखिए। ये एक बहुत क्रांतिकारी चिरकुट जो है, इसने क्या किया, प्रति व्यक्ति कर्ज 1,40,000 रुपए, अटल सेतु पर सालाना पास 1,25,000 रुपए, रईसी असमानता डूबती इकोनॉमी। अब इसने डाल दिया कि 250 रुपए सिंगल जर्नी के लिए और रिटर्न जर्नी के लिए 375 रुपए, आप जितने एक्सप्रेस वे पे चलते हैं आपको देना पड़ता है। इसके बनने से जो समय की बचत हुई है, जो लोग जिनके लिए जीवन में समय की बड़ी महत्ता है, ये निश्चित रूप से भाई इस पे ट्रक नहीं चल सकता, ट्रैक्टर नहीं चल सकता, उन सब चीजों को बैन किया गया है, साइकिल नहीं चलाया जा सकता। अब ऐसे कंडीशन में जब आप इस तरह की चीजों कहते हैं, तो फिर ये इसी ढंग के नैरेटिव से इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और उसके बाद ये जब सुलभ शौचालय विशेषज्ञ ने जब ये डालना शुरू किया, इसको तैयार किया, उसके बाद सुप्रिया सेनेट को ये एजेंडा थमाया गया, फिर सुप्रिया सेनेट ने उसी को आगे बढ़ा। तब आपको लगेगा कि कांग्रेस की खैराती कैसे नैरेटिव अपने आकाओं के लिए गढ़ते हैं। समुद्र पुल की यात्रा का आनंद लीजिए, बस कार के लिए महीने में 12,500 रुपए का पास बनेगा, मतलब 1,50,000 हर साल, और ट्रक के लिए मासिक जो है 41,500 का पास बनेगा, यानी प्रति व्यक्ति। अब सोचिए ऐसे नैरेटिव्स गढ़ने शुरू कर दिए गए हैं। ये षड्यंत्र जो है कि आपको, आप अपने समय में तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आप नैरेटिव गढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यदि आप देखेंगे तो इन खैरातियों को लोगों ने जबरा जवाब देना शुरू किया है, तब आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का एजेंडा क्यों नहीं चलता है। ये सब राम मंदिर, शंकराचार्य, सब मुद्दे पर इन लोगों ने चलाना शुरू किया है। अब देखिए मैं सेलेक्टिव नहीं दिखा रहा हूं, ये देखिए इस चिरकुट ने शुरू किया, एक ने, ये पूरा तमाम खैराती गैंग ने, संसदीय विभागों से लेकर तमाम गैंग ने शुरू कर दिया है अपने सोशल मीडिया पर कि ये सरकार किसके लिए कर रही है, इसको जवाब पब्लिक क्या दे रही है। ये लोग ऐसा नहीं कि सब लोग उसी पे चले, इसको जवाब दे रहे हैं कि तुमने तो बहुत क्रांतिकारी चलाया था, जरा देखिए इसको याद दिला। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं चला। अच्छा, तो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जान बुझे। बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वोट बैंक तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल, और ये बोलना भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे, वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया, उसी पे ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। डायरी उठाया, चल दिया, इसीलिए लोगों ने इसका नाम बहुत क्रांतिकारी रख दिया कि बहुत क्रांतिकारी है, इसका नाम रख दिया बहुत क्रांतिकारी। ये अरविंद केजरीवाल से इन सबको लग रहा था कि हमें राज्यसभा मिल जाएगा, केजरीवाल
आशुतोष गुप्ता को लगा हमें मिल जाएगा, इसे लगा कुमार विश्वास अलग भ्रमित, ये सबके सब भ्रमित है। कुमार विश्वास चलो आंदोलन का आदमी था, इन किरकुटों ने क्या खेल किया, ये कैसे ने सोचिए, इन लोगों को लज्जा नहीं आती है, ये वीडियो वायरल है फिर भी लज्जा, लोग अब इस वीडियो को बारम्बार ये निशान है उन्होंने डाला, अज्ञान पप्पू अपने मालिकों की तरह देश का विकास पचा नहीं पा रहे हैं और अपनी पीठ से अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं। अटल सेतु देश का सबसे लंबा अच्छा ब्रिज है जो जनता का समय बचाएगा, यह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम पब्लिक बता रही है, एक दूसरे नहीं, ये सबके से बता रहे क्रांतिकारी पत्रकार, नीचे समझा रहा हूं समझ लो, मैं सेलेक्टिव नहीं दिखा रहा हूं आपको, एक चीज देखिए, दूसरा ये है, अरे क्रांतिकारी पत्रकार नीचे समझा रहा हूं समझ लो, जैसा बताया गया है इस पुल को बन जाने पर 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में हो जाएगा, तब अब क्या होगा, अब वो तो आम पब्लिक समझा रहे हैं, विकास समझा रहे हैं, अगर कोई कार 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, अब मेरे लिए आसान कर दिया मेरे व्यूअर्स ने या ट्विटर पे आने वाले लोगों ने, अगर कोई कार 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करेगी, तय कार अगर उसी कार का माइलेज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 80 किलोमीटर तय करने में 5.3 लीटर ईंधन की खपत होगी, 5.3 लीटर की कीमत बता दिया कि कितना होगा, क्योंकि 20 मिनट की यात्रा पूरा होगा तब 20 मिनट का खर्च 94 रुपया होगा, बता दिया कि ये जो 2 घंटे का समय बचत होगा और ईंधन जो पेट्रोल है उसकी बचत होगी। लेकिन इन चिरकुटों को यह भी समझ में, अब अगर इसे कार के टोल जो 250 रुपए रखा गया है उसे जोड़ दो तो 250 + 94 344 रुपए, पुल जब बन जाने का फायदा लोगों ने गणित से बुर्बक आदमी दूर रख इतना ही आप, अरे किसको समझा रहे हो, इसे दो पहाड़ा समझ में नहीं आता, अर्थशास्त्र क्या घंटा समझ में आएगा, कुछ लोग लिख रहे हैं इस सूचियों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये महान कांग्रेस की गोदी मीडिया है, लोग एक से एक ढंग से अपने ढंग से कमेंट्स कर रहे हैं। अब फिर मैं उसी जगह से निशांत के बाद जैसे विकास कुमार हैं, ये पूरा अलग अलग तरीके का समझा दिया कि देखो कुछ लोग इस तरह से भी रहते हैं, मतलब हर किसी का 2 BHK में मतलब ऐसा ऐसा मौज भी रहता है, इसकी अलग अलग चीजें होती, मानसिक रूप से गतिहीन पत्रकार, मैं कोई सेलेक्टिव नहीं दिखा रहा हूं, ऊपर से नीचे दिखा रहा हूं, मानसिक रूप से गतिहीन पत्रकार महोदय कौन 1,13,000 प्रति व्यक्ति आय वाला नागरिक कार से चल रहा है, अगर चल रहा है तो अवश्य कार चोरी कर रहा, कर चोरी कर रहा, मतलब लोग बता रहे हैं कि ये यदि इतना है तो आम आदमी इस पे नहीं चलेगा, आम आदमी के लिए रोडवेज की बसें हैं। अब उसी मुंबई को थोड़ा अपना यूट्यूब की कमाई बांटो, अगर इतना दर्द हो रहा है या जिम्मेदारी कोई नहीं है, अगर प्रपंच पूरा हो गया तो गैंग के मुखिया हो, एक एक लोग देखिए जाने अतुल सेतु की खूबियां, 20 मिनट में 2 घंटे का सफर, प्रोजेक्ट लोगों ने बढ़िया ढंग से समझा दिया, ये प्रोजेक्ट है देखिए कि यहां से चल रहा है और किस तरह से समुद्र के बीचों बीच, अब इस तरह से जो चीजें चल रही है तो मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये जो लाइटिंग व्यवस्था है इतनी बढ़िया की गई है कि समुद्र में पक्की जो जीव जंतु हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़े, इतना शानदार, जो कटोरा लेकर जनता से भीख मांग रहे हो चंदे के नाम पर पुल बनाने के लिए, चलो अब रोना शुरू करो, सब लोग इनको गाली दे रहे हैं, विपिन मिश्रा लिख रहे हैं, ये राधिका चौधरी है, विपिन मिश्रा लिख रहे हैं, मानसिक रूप से गतिहीन पत्रकार महोदय कौन इतना रुपए लेकर चलेगा, शौक बड़ी चीज है साहब के लिए, हर घर कटोरा योजना की शुरुआत हुई है, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा निगेटिव लिखा है इसने, 2,000 करोड़ की सड़क के लिए टोल टैक्स 200 है और 18,000 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए टोल टैक्स कितना होगा, और कृपया अपने अनुयायियों और पुराना मार्ग अपनाने के लिए कहें, ये कह रहे कि तुम लोग यही अपनाओ और एक एक चीज को समझिए, सब लोग तुम्हें अटल सेतु पर कार का मंथली पास 12,000 इतना रुपए, मतलब एक साल में इतना रुपए खर्च, सबने धीरे धीरे इसको समझाना शुरू किया इन चिरकुटों को, तब आपको समझ में आएगा कि देश, यमुना एक्सप्रेस वे पर कितना, लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कितना, मुंबई एक्सप्रेस वे पर कितना, या उस तरह से जाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ मुंबई जाओगे। अब आप इस चीज को समझिए कि ऐसे नैरेटिव्स गढ़ने वालों को लोगों ने जूते मारने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी अपना कुतर्क से बाज नहीं आती, मतलब काम ना हो तब भी षड्यंत्र, और इस देश का कायाकल्प पूरी तरह से हो रहा है तब भी षड्यंत्र। दरअसल ये सब अब रामद्रोही बनने को आतुर हुए, हर एजेंडे पर अपने आका को मूर्ख बना रहे, यही चिरकुट पुण्य प्रसून वाजपेयी है जिसने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार बना दी थी, यही चिरकुट है जिसने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को
हारने की घोषणा कर दी कि मोदी हार रहे हैं। ऐसे चिरकुटों को देखने के लिए लोग लाखों लाख व्यूज बन रहे हैं। तब समझिए कि हर बार अपनी मक्कारी और झूठ से गलत नैरेटिव में फेल होने के बाद भी इन सब का खेल जारी है, ऐसे ही जारी है, या न्यूज क्लिक की दलाली का मामला है, ऐसे ही चल रहा है सब। हर बार झूठ, हर बार फरेब, बंगाल से लेकर के दिल्ली को लेकर के देखिए पंजाब का नैरेटिव, हर जगह झूठ। गुजरात में किसकी सरकार बनवा रहा था, इस तीनों राज्य में कांग्रेस की सरकार बना रहा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब ईवीएम को लेकर के इन सब ने यूट्यूब पे नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है। इन सबकी ऊपर निगरानी करने की बहुत जरूरत है, सामान्य मामला नहीं है। ये सब वही लोग हैं जिन लोगों ने नोटबंदी के समय एक नैरेटिव बनाया था, एक साजिश की थी, और ये अपने आप को विद्वान समझ करके उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही कि 2022 के लोग विधानसभा चुनाव में क्या कुछ किया इसने। इन तक वाराणसी में प्रधानमंत्री गौरवा रहा था ये कि मोदी हार रहे हैं। ये सब सालों तक संपादक रहते हुए बताते रहे कि हमें देश का नब्ज पता है। इन चिरकुटों को कितना कुछ पता है कि पब्लिक, यदि सोशल मीडिया के दौर नहीं होता ना तो ये सब महान बने हुए थे। जूते मार मार के लोग समझा रहे हैं चिरकुटों को कि देखो, मैं नहीं समझा रहा था, आज मैंने पब्लिक की भाषा में समझाया, जो पब्लिक समझा रही है बस उस नरेशन को मैंने आप तक समझा दिया। मतलब आम जन समझ रहे हैं। इन चिरकुटों को लग रहा है कि हम ये मूर्ख बना करके खैरात पालेंगे। अब सुप्रिया सिंह ने इसने आइडिया दिया, सुप्रिया सिंह ने इसको उठा लिया, लग रहा है इसका कोटा पूरा हो गया, अब घर में खैरात पहुंच गया होगा मंथली का दरबार से। दरअसल मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस को बर्बाद करने में ऐसे ऐसे पिस्सू खैराती की बड़ी बड़ी भूमिका है। सोचिए, इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला हुआ है, यदि सुविधाएं आप लेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, यदि अब उस रास्ते में परेशानियां हो रही है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने सिंपली इसको बहुत सिंपल भाषा में समझने की जरूरत है। एक ट्रेन है, मान लीजिए बिहार के लिए संपर्क क्रांति नामक एक ट्रेन जाती है, वो बिहार से मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है। आप फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे, 4,500 से 5,000 का आपको फर्स्ट क्लास का टिकट लगेगा, और उसी में आपको 150 से 200 का जनरल बोगी का टिकट मिल जाएगा। तो ऐसे खैरातियों को बांध करके जनरल बोगी में, बोरे में बांध करके उसमें डाल करके सफर करना चाहिए। क्यों चलते हो भाई, क्यों गाड़ी उठाते हो और निकलते हो एक्सप्रेस वे से, रोडवेज की बसें से जाया करो, सस्ता पड़ेगा। लेकिन तुम्हें खैरात का पैसा है तो तुम मौज लोगे। ये चीजें बताती है कि किस तरह से ये देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि इस देश की जनता तो बहुत गरीब है, इस देश को सुविधा की जरूरत नहीं थी। पूरे रेलवे का कायाकल्प हुआ, एक समय लकड़ी बैठने के लिए लकड़ी की सीटें हुआ करती थी। जनरल बोगी में देखिए, जो अमृत भारत ट्रेन हुआ है उसमें जो सीतामढ़ी से लेकर जब पहली खेप अयोध्या के लिए चली, लोग देख करके चौंक रहे थे। लेकिन ऐसे लिब्रांडू भारतीय रेल का पूरा कायाकल्प हुआ, इस पर इनका ध्यान नहीं जाता। ये चिरकुट बता नहीं पाते कि देश में फलाना गांव में बिजली नहीं है आज, निगेटिविटी ढूंढ नहीं पाते। लेकिन ऐसा षड्यंत्र करके ये फर्जी पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता के नाम पर पाप है, जो उस समय तरुण तेजपाल जैसे लोग स्टिंग ऑपरेशन से किया करते थे। ये फेक जर्नलिज्म है, और मुझे लगता है इन सब पे जबरदस्त ठुकाई करके इन सब के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।